इंसान जब अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। खामियां सब में होती हैं मगर नजर सिर्फ दूसरों में ही आती हैं। कद्र करनी है तो जिंदगी में ही करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो, दुआ मांगना भी मुश्किल लगे, तो अपने रब के सामने हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात का सबूत है कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और बेशक मेरा रब खामोशियों को भी सुनता है। अल्लाह ताला इंसान से फरमाता है, मेरे लिए लुट के तो देख, रहमत के खजाने ना लुटा दूं तो कहना। आप कभी भी लोगों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर अपनी जिंदगी उस तरीके से बसर कीजिए जो आपको खुशी दे। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। जो इंसान लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो तो समझ लेना वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, बस की जाती है।